अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, धूप निकल आया है और मैं धूप में खड़ा हूँ। और हाँ, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा धूप भी सेक लेते हैं। और माशाल्लाह बहुत, बस ये कि हवा ठंडी बहुत चल रही है। तो अभी मैं आपको बर्थ भी दिखाऊंगा, मगर जो हमारे साथ हुआ है यहाँ पर, एक तो मेरा फिजेंट पता नहीं कुछ मसले है, एक फिजेंट कल एक्सपायर हो गया है और उसका मुझे पता नहीं लगा कि एक्सपायर किस वजह से हुआ है। ना तो कोई बिल्ली आई थी, ना कुछ, मतलब इस तरह कुछ और, पर चले होता रहता है। अब दूसरी मदी जो है वो भी ठीक नहीं है, लगता है कुछ बीमारी हो गई है, पर चले ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपने बर्ड्स जो हमने आपको नहीं दिखाए। तो चले शुरू करते हैं अपने कौन से बर्ड से जिसकी नमूनिया थी। तो पहले नमूनिया वाले से शुरू करते हैं, ठीक है जी? और बाकी सूरत हाल भी दिखाते हैं कि घर का क्या हाल है और बारिश ने क्या कहा, मतलब गन मचाया हुआ है। जो बुरा होता है ना बुर, उसको इकट्ठा करके ना सारा कुछ बड़ा गंदगी पे लाइए तो साफ भी करेंगे। तो इसके बाद ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह, तो उसमें आपको सफाई नज़र आएगी। अभी तो हम सफाई नहीं कर रहे। ये हमने सिल्की कॉल है, हमने कहा थोड़ा छोड़ा सिल्की ज़रा बनते बहुत मुद्दत से, तो हमने कहा चले उस सिल्की की वैरायटी देख करते। अच्छा, सिल्की में हमारे पास दो मेल है जी, एक ये ज़ीरो साइज़ का मेल है और एक वो बड़ा मेल है। और ये फ्रिल भी इससे क्रॉस हो चुकी है, तो इंशाल्लाह फ्रिल भी आ जाएगा इसमें हमारे पास। और वो मादी भी गोल्डन, गोल्डन तीन मादी है हमारे पास, नहीं दो मादी है और दो नर निकले हैं इसमें। ये किस चीज़ की अजान जी? और ये फ्रिल है जी, फ्रिल हमारे पास दो मादी है जी। तो फ्रिल हमारे पास अब नर की कमी है, अभी देखता हूँ अगर नर मिला कहीं से किसी के पास हो तो फिर मैं इसके लिए नर भी लेकर आता हूँ। चले जी, अभी आपको जगह दिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये है जी हमारे हीरा साहब, इसका लक लगाया आज, तो लक लगे हैं सारे। हुआ जी हुआ, यहाँ पर तो बड़ी बेहतरी आई है। हीरा साहब को हुआ था नमूनिया और खड़ खड़ की आवाज़ आती थी बहुत ख़राब। 5 दिन इसका मैंने ट्रीटमेंट की है और माशाल्लाह आप देखे आपके सामने खड़ा है। अच्छा, उसके साथ इसको भी हुई थी, असल में ज़ुकाम से पर ये नमूनिया हो जाता है आजकल, और शुक्र के बारिश हो गई तो अब थोड़े से कंट्रोल में आ जाएंगे सब कुछ। ये तो मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरे हाथ पे आए देखें। अच्छा, पानी हम थोड़ा कम पिलाते हैं लोगों को इस वक्त अपने मुर्गों को। और ये है जी अंडे, तो बहुत पड़े यहाँ पर, एक टूटा भी है। दा अंडे उसे तो करा शाह, अंडे वैसे खराब हो रहे हैं यहाँ पर, देखे ना। इनको पानी कहाँ से मिल रहा है? इनको मैं पानी दे नहीं रहा हूँ, इनको पानी मिल रहा है, सोचने की बात है वैसे। अच्छा जी, देना अंडे रुपा सको ना। तो ये तो जी असील की अपडेट थी, सॉरी हीरा की और सिल्की की। और ये जी इंग्लिश गेम की मादी, और ये पॉलिश अंडे देख इसी तरह पड़े, इधर भी पड़ी है, इधर भी पड़ा हुआ है। अल्लाह, सारे अंडे बच्चा निकालो, एक एक टोकरी निकालो अंडों वाली जो बर्तन है। अलो खरूबा सर के तो नामी पूरी का, हाँ ये मिली का नामी पूरी सीखे मैं पता लगी, हाँ से पता लगे, हाँ वाह वाह राहुल ने कहते थोड़े तो सब समझा रहा था। मैंने कहा कि इसके अंडे निकालो सर होगी। और अच्छा, ये भी बीमार हुआ था फोरेक्स। अच्छा ये माशाल्लाह बड़ा अंडा, मैं कभी कभी सोचता हूँ मुर्गियाँ इतना दाना खाती है और अंडा, मेरे ख्याल में कबूतर के अंडे से छोटा होगा।
नहीं जिसने भी दिए पर बड़ा जुल्म किए वैसे। एक नॉर्मल अंडा रखो जो इंग्लिश गेम का हो, इंग्लिश गेम का अंडा रखो इसके साथ। क्या और सुनो, देखे ना बड़ा जुल्म है। हाँ चलिए ठीक है मड़ा, कोई बात नहीं, निकल आएगा बच्चे। अच्छा बेटा इससे सारे इसमें चेक करो पानी छनी तो नहीं है, मुझे बताओ पर। अच्छा जी, अच्छा ये अपडेट है जी हमारी जगह की। अभी ये देखें, ये अंडा देखें, ये अंडा सही है, ये अब माशाल्लाह ये उसका अंडा है, ये क्या कहते हैं पॉलिश का, तो सही काफ़ी बड़ा। इससे डर जाएंगे हैं माता ने, के असीला भी बेताब है। जगह देखे जी, मैं इसकी बात कर रहा था तो सारा जगह बारिश की वजह से ख़राब हो चुकी है। अच्छा इधर भी असील पड़ी हुई है, असील देखे जी, ये हमारा जावा, इन्होंने अंडे शुरू नहीं किए वैसे, बड़ी ज्यादा कर रहे हैं हमारे साथ। मधी देखे जी क्वालिटी, और जी ये है हमारा लासानी, इसके तो खैर अंडे फर्टाइल ही नहीं आते। माता ना बस सही था कहना, ठीक था यो नहीं। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये किस तरह अंडा है, दोनों के साइड पर इस तरह है। मैंने कहा है होते हैं यार, देखे ना ये एबनॉर्मल सा अंडा लगता है ना, मगर है भी एबनॉर्मल। अब इसका बच्चा निकलेगा तो वैसे टूटा हुआ भी है, थोड़ा सा टूटा नहीं है, इसकी बनावट जो है ना कैल्शियम इसकी मिकदार ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं, अच्छा इन्होंने फिर अंडा देने के लिए बैठ गई है, और इनके लिए भूर अभी बहुत ज़रूरी है, सर्दी अभी पौ शुरू हो गया, पौ माँ जैसे कम कहते हैं, और यहाँ पर फिजेंट है हमारे पास भी, तो इनको हम बंद इसलिए किए कि इन्होंने दो अंडे डाले हैं, फिर दोबारा अंडों का कोई पता नहीं है। तो देखते हैं बारिश के बाद, मैं बहुत दिनों बाद निकला हूँ, आरा वाला इन्हें आगा दी दादी। चले जी मैं आपको फिर, अच्छा इसके बाद मैं आपको कबूतर का शौक करूँगा, बच्चों का फार्म का करूँगा जी। और ये हमारा गुगू है, गुगू जी की हाल है, और सुना ना यार, लेकिन ना जी गुगू जी मस्ती में आया हुआ है, मस्ती में। तो चले जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआएं दीजिएगा, और जुम्मा मुबारक सब भाइयों को। तो चले जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।